नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का डीबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में आपने देखा होगा कि एक के बाद एक अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन का जो दौर है वो जारी रहता है और आने वाली 29 तारीख को एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है रामलीला मैदान में। असम के बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं जो एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या कुछ मांगे हैं उनकी, आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सिंह तिमुंग है, मैं जनरल सेक्रेटरी कार्बी आंगलोंग एनसी ऑटोनोमस डिमांड कमेटी में हूँ। हमारा धरना प्रदर्शन का कारण क्या है, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन आप लोग करने जा रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे ये है, जो हमारा मांग टू पूरी एक अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए हम लोग मांग रहा है। इस इम्प्लीमेंट के बाद हमारा लैंड भी, अपना जमीन भी प्रोटेक्शन होगा, अपना कल्चर भी प्रोटेक्शन होगा, अपना भाषा भी प्रोटेक्शन होगा, इसलिए हम लोग मांग रहा है। आप मुझे बताएं, क्योंकि जिस तरीके से मेरी आपसे बात हुई आपने मुझे ये भी बताया कि 32 साल हो गए हैं और 32 साल से लगातार आप इसी तरीके से हर साल आते हैं, धरना प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं, लेकिन अभी तक आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। सरकार ने बिफोर इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के आगे उनका जो इलेक्शन कमिटमेंट, वो हर बार बोलता रहे थे कि अगर उन लोगों को सत्ता में आएगा तो हमारा जो मांगे पूरी कर देगा, लेकिन अभी तक हमारा मांगे पूरी करना नहीं कर रहा है। सिंस 1986 हम ये धरना प्रदर्शन कर रहा है, हर साल हम दिल्ली में आना पड़ता है इसी मांगे के लिए, लेकिन हमारा मांग ये आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक ऑटोनोमस स्टेट विद द स्टेट ऑफ असम, ये अभी तक हमारा मांगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, आर्टिकल 244A को लेकर ये लोग लगातार 32 सालों से दिल्ली में आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, हंगामा करते हैं, लेकिन अभी तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। अभी 29 तारीख को जो धरना प्रदर्शन होने वाला है उसमें कितने लोग शामिल होने वाले हैं? जी, जो हम लोग का जो धरना प्रदर्शन है अभी 29 तारीख को, तकरीबन 5,000 हमला डेलीगेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और हमला अपना जो मांग है, जो हमारा हमारा आवाज तक ही सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे और हमारे मांगे जो पूरी करे जल्द से जल्द। अच्छा, केंद्र सरकार से क्या कुछ मुख्य मांगे आपकी हैं? केंद्र सरकार से हम लोग ये मांग रहा है, सिर्फ एक का कारण है, जो इम्प्लीमेंट के लिए जो तुरसाकरण का नहीं है, जो इम्प्लीमेंट होने के बाद अपना कार्बी आंगलोंग डिमासा में भी डेवलपमेंट होगा, कार्बी आंगलोंग डिमासा डेवलपमेंट होने से आसाम भी डेवलपमेंट होगा, आसाम भी डेवलपमेंट होने से इंडिया भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि कार्बी आंगलोंग एनसील में आसाम के अंदर में है और इंडिया के अंदर में है। चलिए, तो आने वाले 29 तारीख को रामलीला मैदान में एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है और 32 सालों से लगातार ये लोग इसी तरीके से अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन अरुण के साथ रेशु त्यागी, डीबी न्यूज़।